Ladies and gentlemen, welcome to 45th module of Weber's view on legitimate authority. Today we will discuss uh, in a broad manner, which is about the legitimate authority. So, very first question comes in mind uh, that what are the types of authority? I mean, is that isn't it that the structural authority, which is aligned by the hierarchy? और जिसको हम ट्रेडिशनल हैरार भी कहते हैं और या ट्रेडिशनल अप्रोच कहते हैं या एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके ऊपर एक लेजिटिमेट पावर होती है और उसकी उसी के तहत आपको आ, काम करना होता नहीं मुमकिन है कि आंटरप्रनोरियल अप्रोच के लिए या बाकी किसी भी अप्रोच के लिए हमें लीडरशिप की मुख्तलिफ्स को देखना पड़ेगा अगर आप अथॉरिटी की बात करते हैं तो समाइम आपकी लीगल अथॉरिटी ये होती है कि आप किसी स्ट्रक्चर के अंदर सी ई ओ एंड देन आपका लेवल आपका फंक्शनल लेवल आपका ऑपरेशन लेवल यानी आपका टॉप मैनेजमेंट मिडल मैनेजमेंट लोअर मैनेजमेंट इसी तरीके से अगर आप कबाइल में चले जाएं तो कबाइलदार के पास जो है वो जो जो पंचायत का सरदार होता है या कबीले का सरदार होता है इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर कहीं देख लें तो एक कमिश्नर होता है डिप्टी कमिश्नर होता है तो ये मुख्तलिफ पावर्स जो हैं ये मुख्तलिफ चाहे वो गवर्नेंस लेवल पे हो स्टेट लेवल पे हो या ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर हो तो इसको हम लेजिटिमेट अथॉरिटी कहते हैं अच्छा बाय द बुक हम देखने की कोशिश करते हैं एक तो लेजिटिमेट अथॉरिटी दूसरी अथॉरिटी जो है वो क्रिजमेटिक अथॉरिटी होती है क्रिज्मा या ऐसी पर्सनैलिटी जिसके अंदर लीडरशिप की अप्रोच हो और वो लजिटमेट अथॉरिटी को भी बात मैं ये नहीं कहूँगा कि ओवर रूल कर जाती है लेकिन आम तौर पर लजिटमेट पर्सनैलिटी को लोग फॉलो करते हैं सो so, वो जो फॉलो करते हैं तो वो जो कॉमन एम्ब से हट जाती है यानी लोग उसको पैरल टू द गवर्नमेंट ले लेते हैं बात ऐसा होता है कि कोई मजहबी रहनुमा होता है और क्रिजमेटिक होता है या वो सोशल रहनुमा होता है तो क्रिजमेटिक होता है या स्ट्रक्चर्स के अंदर किसी एक खास स्ट्रक्चर के अंदर उसको रेफरेंटल पावर भी कहा जा सकता है यानी वो उसकी ताकत ऐसी होती है कि वो डिसीजन ले लेता है लोगों के लिए आसानियाँ लाता है काम कर देता है और मुख्तलि तरीके से लोग उसको समझना शुरू कर देते हैं एक तो ये हो गया दूसरा तीसरी किस्म की जो कुत है वो आपकी बाय डिफाइन पावर आती है यानी आप किसी चीज़ के अंदर उसको बाय कास्ट कलर क्रीड आप किसी किस्म की उसको अथॉरिटी दे देते हैं लेकिन अगर हम बात करें लेजिटिमेट अथॉरिटी तो वो बाय स्ट्रक्चर होगी अच्छा आंट्रप्रेवर आमतौर पर क्या करता है आमतौर पर जो मैं आपको एग्जाम्पल देने लगाऊँ वो ये है कि नॉर्मली क्रिजमेटिक होता है क्रिजमेटिक होता है और बाद में वो लेजिटिमेट अथॉरिटी की तरफ मूव करता है और उसको लेजिटिमेट अथॉरिटी अल्टीमेटली बनानी पड़ती है क्योंकि पहले वो सोल प्रोपराइटर होता है या वो लीडर होता है या वो किसी चीज़ को इनिशिएट करता है और वो अपनी अपने क्रिजमेटिकवत के साथ लोगों को अपने साथ लेकर आता है ना कि वो अपनी हेरिकल पावर के साथ लेकर आता है यानी धौस जबरदस्ती या किसी लीगल फ्रेमवर्क के तहत नहीं कि तुम तो मेरे फला फला एम्प्लॉय हो या एम्प्लॉय इंप्लॉय रिलेशनशिप के तहत नहीं या किसी पैसे के ताल्लुक के तहत नहीं लेकिन एक क्रिज्मा है एक लीडरशिप का क्रिज्मा है जिसकी वजह से लोग चले आते हैं उस अच्छा क्रिजमेटिक लीडर की पहली निशानी तो ये कि वो वादे का पक्का होता है डिसीजन लेता है तेजी से डिसीजन लेता है लोगों के लिए आप अगर, अगर अपने लिए आसानी कर रहा है तो उस लोगों के लिए भी बेनिफिट्स देता है और अल्टीमेटली उनके लिए स्टैंड लेता है सो तो ये क्रिजमेटिक पर्सनैलिटी होती है अगर हम आंट्रप्र्योर के चैप्टर में देखेंगे तो आपको देखा जाएगा कि आंट्रप्रोर्स के अंदर मोर ओवर ये क्रिजमेटिक पर्सनैलिटीज होती है आइए है, देखते हैं कि ये जो लेजिटिमेट अथॉरिटी होती है वो क्या है टू एक्सरसाइज द पावर प्रोड्यूस एन एंड सोशल ऑर्डर ओनली इफ इट मैनेजेस टू जस्टिफाई इट सेल्फ वन सो फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज टू जस्टिफाई इट सेल्फ ओनली इफ इट इज एबल टू सिक्योर सर्टन मिनिमम कॉन्सेंट at least on the part of most socially important segments of the uh, governed, this idea underlies a uh, weber concept of legitimate authority. so legitimate authority obtained when the power of command is deemed valid, that is, when persons subject to authority uh, or might be the obedience or the ultimate obedience. ultimate obedience, weber ultimate obedience, उसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं उसके अंदर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को आप अब मेरी बात को और जो वहाँ पर टेक्स्ट है उसको मिला सकते हैं आप इसमें अब आप लेजिटमेट अथॉरिटी को समझिए कि वो तीन टाइप्स का बयान करते हैं पहली जैसे मैंने अर्ज़ की कि क्रिजमेटिक अथॉरिटी है दूसरी जो लीगल अथॉरटी है फिर एक ट्रेडिशनल अथॉरटी एक ट्रेडिशनल अथॉरिटी ये है कि किसी भी सब्जेक्ट में आप चले जाएँ जिसकी अलग अलग अथॉरिटीज़ होंगी अगर आपको मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं थोड़ा सा आपको गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर बता दूं तो कुछ का होता है एम पी वन होता है एम पी टू होता है एम पी थ्री होता है कुछ का सिविल सर्विस केडर्स होते हैं किस के आपके स्पेशल केडर्स होते हैं किसी का आपका सिक्स केडर टू नाइन केडर्स होते हैं इसी तरीके से जो अगर आप सेमी गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर्स अलग होते हैं प्राइवेट के स्ट्रक्चर्स अलग होते हैं फिर ऑफिशिएटिंग स्ट्रक्चर्स अलग होते हैं फिर उनके स्ट्रक्चर्स के हिसाब से उनके लेवल्स के हिसाब से आ, आपका डिफाइन होता है आपकी सैलरी आपके जो पर्क्स और प्रिवलेज ये तो आपका ट्रेडिशनल अथॉरिटी और फिर आपको कितने रूल्स एंड रेगुलेशन रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना आप रिस्पॉन्सिबल हैं और कितना आपको ट्रेडिशनल अथॉरिटी अलाउ करती है कि आप ये कर सकते हैं सेकेंड इज़ द लीगल अथॉरिटी लीगल अथॉरिटी यानी कानून उस हैसियत पर जिस पोजिशन पर आप बैठें आपको कानूनी हैसियत के तहत आप क्या कर सकते हैं आप कितना लीगल एक्शन ले सकते हैं आप क्या फॉर एग्जांपल किसी कंपनी के साथ एम ओ किया अगर एक आदमी आया है और वो आ, आ, किसी ऐसी पोजीशन के ऊपर आ गया एडहॉक बेसिस पे आ गया तो लीगल इसको इजाज़त नहीं देता कि वो उसको आ, उसको निकाल सके या उस पर क्वेश्चन कर सके या, 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 या फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर इंटरवेंशन कर सके लेकिन अगर वो करता है तो इलीगल अथॉरिटी इस्तेमाल करता है सो दिस इज़ यानी लीगैलिटी आपको क्या अलाउ करता है आपकी एज़ पर द पोजिशन तीसरा नंबर पे आता है क्रिजमेटिक लीडरशिप इसको रेफरेंटल भी कहा जाता है बाजा अवकात ऐसा भी होता है कि अगर आप क्रिजमेटिक अथॉरिटी में देखें बाज़ात लीगल सिस्टम और ट्रेडिशनल दोनों के अंदर नहीं होते लेकिन आपको आमतौर पर उनकी राय उनका हुक्म उनकी बात लोग पूरी तरीके से फॉलो करते हैं मसलन अगर मैं आपको ईरान की एग्जाम्पल दूँ तो वहाँ पर खमे खमनाई या जो भी पैरेलल स्ट्रक्चर के होंगे उनकी बात मानी जाती है आ, 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 अगर मैं इसकी एग्ज़ाम्पल दूँ जब से जब से दे दूँ तो वहाँ पर जो है शाखल अज़हर जो हैं वो पैरल टू प्रेजिडेंट है इसी तरीके से थियोक्रेसी के अंदर आम तो वेटिकन सिटी के अंदर देख लूँ तो प्रेजिडेंट के साथ जो पोप है पोप की ज़्यादा ताकत मानी जाती है इसी तरीके से कई ऐसे लीडरशिप अगर आपकी पोलिटिकल मज़हब गवर्नेंस बिजनेस और अगर आप सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल लें रिसेंट टाइम के अंदर कि जैकमा जैकमा चाइना में बिजनेस कर रहे थे और पूरी दुनिया में फैलते फैलते वो इतने बड़े मोटिवेशन स्पीकर बन गए कि उनकी क्रिजमेटिक अथॉरिटी डेवलप होना शुरू हो गई तो लेकिन जबकि आमतौर पर चाइना के अंदर ये ट्रेडिशन नहीं है कि कोई वो और लीडर्स को पैदा करें लेकिन वो एक क्रिजमेटिक अथॉरिटी डेवलप होना शुरू हो गई उनके लफ्स में कुवत आना शुरू हो गई सो तो आंटरप्रेन्योर्स आमतौर पर बेहतर तौर पे वो अपने लफ्जों से अपनी बात से अपनी गुफ्तगु से पहचाने जाते हैं सो तो ये तीन किस्म की जो है अथॉरिटीज मैंने डिस्कस की आ, हमने जिस तरीके से ये समझा कि लेजिडमेट अथॉरिटी तो डेवलप करनी पड़ेगी आपके पास आ, अगर क्रिजमेटिक अथॉरिटी है आप आंट्रपन्य हो रहे हैं इसके बाद भी आपको एक स्ट्रक्चर डेवलप करना ही पड़ेगा और स्ट्रक्चर के अंदर हेरार्की मरकल मॉडल लाना पड़ेगा और हेरार्कल मॉडल के अंदर भी आपको अगर आप चाहते हैं शेयरिंग अच्छी हो सिस्टम्स अच्छे हो, इनोवेशन हो इनोवेशन के साथ डेवलपमेंट हो तो आपको चाहिए कि आप हॉरिजॉन्टल लिंकेजेस लगाएं सो यू कैन क्रिएट द अल्टीमेट डेवलप्ड लेजिटिमेट अथॉरिटी सो दिस इज हाउ द वेबर्स आइडिया ऑफ लेजिटिमेट अथॉरिटी हम इसको मजीद डिस्कस करेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल थैंक यू